अब इस कम्युनिकेशन में मॉडल जो है हमारा, इसमें एनालॉग सिग्नल्स कहाँ पर है? जैसे मैंने एनालॉग सिग्नल्स कहा था आपको, और दूसरा कहा था डिजिटल। अब इन दोनों में हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स कहाँ पर यूज होंगे और डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास कहाँ पे होंगे? ये मेरे पास सोर्स है और ये मेरे पास एक ट्रांसमीटर है। मेरा जो डेटा है वो फर्स्ट पुट इनपुट करूँगा मैं इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे सेकंड पे आएगा इनपुट डेटा, यहाँ पर जो है मेरे पास ये डिजिटल टेक्स्ट स्ट्रीम आएगी। ये अभी तक मेरा डिजिटल आएगा, डिजिटल बिग स्ट्रीम, ये मेरे पास यहाँ पे डिजिटल सिग्नल। जब मेरा ट्रांसमीटर यहाँ से सेंड हो गया और ये आ गया ट्रांसमिशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में आते ही ये एनालॉग में हो जाएगा। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये एनालॉग पे ही चलेगा। अब एनालॉग सिस्टम से ही निकलते ही, एनालॉग सिग्नल से ही निकलते ही, जैसे ही इसका रिसीवर इसको रिसीव कर देगा, इसका रिसीवर इसको चेंज करके डिजिटल में कर देगा। यहाँ पे दोबारा डिजिटल बिट स्ट्रीम आएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका आउटपुट इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा, शो हो जाएगा। बेसिकली ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन मॉडल की।